सो गाइस सीख लो गियर लगाना कैसे सीखे, वरना होने वाला आपकी कार का सत्यानाश। कैसे लगाना गियर को ये सारी चीज सिखाने वाला हूँ। बहुत लोग न्यू बिगनर्स गलती करते हैं, क्रॉस में गियर लगाते हैं, आड़े टेढ़े गियर लगाते हैं, जिससे हो जाता है गियर बॉक्स खराब। तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ आज। ये वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा गियर लगाना। न्यू बिगनर्स को बिल्कुल नहीं आता गियर कैसे लगाना है। क्या होता है, लोग बाग डायरेक्ट लगाते हैं गियर, कभी भी डायरेक्ट गियर नहीं लगते हैं, हमेशा पैटर्न के अकॉर्डिंग लगते हैं, वरना गियर का करने वाले हो कबाड़ा, सत्यानाश हो जाएगी गाड़ी का पूरा। तो सीख लो ये गियर कैसे लगाना है, फिर दोबारा वीडियो नहीं आने वाली। ये वीडियो लास्ट है गियर लगाने का, जो बता रहा हूँ ये लास्ट वीडियो आज की। अपन गियर लगाना है ना, कभी गियर लगाए इससे पहले नहीं, गाड़ी पहली बार चला रहे हैं। आज इनका है सेकेंड डे और इनको सिखाने वाला हूँ गियर लगाना, कैसे सीखना है, कैसे चलाना है, गियर को कब कब लगाया जाता है और कहाँ कहाँ यूज करना, कहाँ गियर को डाउन करना है, कहाँ गियर को अप करना है, ये सारी चीज सिखाने वाला हूँ। ट्रैफिक में कैसे कौन सा गियर रखना है, टर्निंग में कौन सा गियर रखना है, सारी चीज सिखाने वाला हूँ आज आपको। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा दम से। बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जिससे न्यू वीडियो का अपडेशन आसानी से आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज सीखेंगे गियर, ये होता है गियर बॉक्स, गियर लीवर। लेकिन गियर हमेशा क्लच को प्रेस करके लगाया जाता है, फुल क्लच हाफ ही नहीं रहेगा। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, हाफ क्लच दबा लिया, बोलते हैं दबा लिया क्लच प्रेस कर लिया, लेकिन गलत है ये। फुल क्लच प्रेस करो, सबसे पहले आप सीट को अरेस्ट करो, आगे खसकाओ आगे सीट को और आगे, ठीक है, सीट बेल्ट लगाओ, ये ठीक है। ये सारी चीजें सबसे पहले सेट करना है अपन को। मैंने बताया था आपको पहले भी कि जब बैठो तो सबसे पहले ये सारी चीजें सेट कर लो, ठीक है। ये होता है गियर, इसे बोलते हैं गियर बॉक्स, ये पूरा होता है गियर बॉक्स। गियर को हमेशा पैटर्न के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, क्लच पूरा प्रेस करो पूरा फुल, ये है ना, ये होता है गियर। अब गियर का जो पैटर्न हुआ है मोबाइल के अकॉर्डिंग होता है, 1 2 3 4 5, ये सेंटर पे होता है। क्लच प्रेस, चप्पल उतार दो, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो, हाँ फंस रही, चप्पल ही फंसती है, सेंटर पे यहाँ पे। कैसे पता करेगा अपनी कार न्यूट्रल पे है, मिडिल पे, हाँ मिडिल पे है, यहाँ से यहाँ तक ये फ्री रहता है, ये और ये। अब फर्स्ट लगाना है सेंटर पे, देखो थर्ड में रहेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा, करके देख लो आप, ये न्यूट्रल करो बीच में, ये फोर लगा दिया, करो इधर से उधर फ्री करो, ये ऐसे न्यूट्रल चेक कर सकते हैं। लेकिन इसे चलते हुए गाड़ी में ऐसे नहीं हिलाना है, नहीं गियर फंस सकते हैं। चलते हुए गाड़ी में बीच में सेंटर पे छोड़ना, तो ऑटोमेटिक वो न्यूट्रल पे आएगा, 100% गारंटी, ठीक है। क्लच पूरा प्रेस कर करो, वो क्लच छोड़ रहे बार बार, और पीछे कर लो पैर को, ये ऐसे प्रेस करना है, और आगे करना का सीट को, ठीक है, बार बार क्लच छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है दिक्कत दोनों ही हो रही है, ठीक है। सेंटर पे है, अब फर्स्ट लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले लेफ्ट करेंगे, ये लाइन गई हुई है, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलना है, पूरा 100% पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लगना है, ठीक है। लेफ्ट किया, आगे फर्स्ट गियर लगा दिया, फर्स्ट गियर तो लगा दिया। सेकंड गियर के लिए क्या करते लोग बाग, पहले न्यूट्रल आते हैं फिर लगाते हैं, वो भी सही बात है, लेकिन क्या होता है न्यूट्रल आने में होता समय बर्बाद, जो रिदम बनाते हैं अपन वापस आ जाती है, अपन न्यूट्रल नहीं करेंगे। इधर से ही लेफ्ट किया, नीचे इधर धक्का देते हुए, और नीचे सेकंड गियर लगा दिया, 1 सेकंड में लग जाएगा गियर, ठीक है। थर्ड के लिए क्या करना है, थर्ड के लिए लोग बाग क्या करते हैं, डीले यहाँ से क्रॉस करते हुए ले जाते हैं, इससे भी गियर का कबाड़ा होगा। तो क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करना, इधर से थोड़ा सा न्यूट्रल पे इधर लाना है, ऊपर किया छोड़ दिया, ज्यादा आगे पहुंचोगे तो फर्स्ट पहुंच जाएगा, छोड़ दिया, आया सेंटर पे, सेंटर से ये लिखा हुआ पर थर्ड गियर। फोर्थ के लिए क्या करना है, फिर वापस सेंटर करना है, ये फोर्थ, बीच में आपको एक बार छोड़ना है, छोड़ने से आपको न्यूट्रल का नॉलेज होगा, न्यूट्रल कहाँ पर है। बार बार डायरेक्ट गियर लगाओगे तो आपको ये नहीं पता, भाई न्यूट्रल तो सीखा ही नहीं अपन ने, तो बीच में बार बार छोड़ोगे तो आपको ये याद रखेगा, हाँ मैं बार बार न्यूट्रल कर रही हूँ। फर्स्ट से सेकंड भर डायरेक्ट ऑप्शन है, उसके बाद जितने भी गियर जाएंगे न्यूट्रल से होते हुए जाएंगे। अब फिफ्थ के लिए क्या करेंगे, इधर किया, ये फिफ्थ गियर। अब फिफ्थ से एक बहुत अच्छी बात है, कभी भी डायरेक्टली रिवर्स नहीं आता, देखो अटक गया, करके देखो, नहीं आपने गलत जगह लगाया, फिफ्थ से रिवर्स मारना, उधर धक्का देते करो, ले अटक गया, अटक गया तो इसको छोड़ दो, न्यूट्रल आ गया, और फिर से वापस उधर किया, ये रिवर्स आ गया, और रिवर्स से वापस न्यूट्रल भी आना है। एक गलती और करते हैं न्यू बिगनर्स कि भाई गियर लगा लेते हैं, न्यूट्रल आते टाइम क्रॉस मार देते हैं, गलती हो गई वापस मार दिया, नहीं, जिस तरीके से गियर लगाओगे वापस उसी तरह से न्यूट्रल आओगे, ठीक है। लगाओ फर्स्ट गियर, सेकंड गियर मेरी तरफ यहाँ पे, ये वेरी गुड। थर्ड के लिए थोड़ा सा उधर नहीं जाना अपन को, इधर ऊपर करना, थोड़ा ऊपर करो, छोड़ दो,
ये सीधा के थर्ड गियर, ये फोर्थ की न्यूट्रल करो बीच में, और पीछे फोर्थ गियर, बीच में हाथ हटाया करो एक बार, ठीक है, फिर न्यूट्रल करो, ये फिफ्थ लगाना उधर करो, आगे फिफ्थ गियर, फिर न्यूट्रल करो, वापस आएगा वहीं से, ठीक है, ये फिर रिवर्स करना है उधर करो, ये पीछे रिवर्स गियर, ठीक है, फिर न्यूट्रल करो, ये ठीक है। अपन अभी चार गियर सीखे हैं, न्यू बिगिनर से अपन सीख रहे हैं, अभी पांचवे के लिए अपनी नीड नहीं है अपन को, ठीक है। लगाओ फर्स्ट गियर, सेकंड गियर मेरी तरफ, देखो गलत गया, न्यूट्रल आ गया वो, फिर से लगाओ फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, इधर धक्का दे तू लेना, ठीक, थर्ड गियर बीच में छोड़ दो, छोड़ दो बीच में, सीधे आगे थर्ड गियर, फोर्थ के लिए बीच में छोड़ो, पीछे फोर्थ गियर, अब सेकंड गियर लगाना, तो न्यूट्रल करो पहले बीच में, लेफ्ट करो पीछे करो, ये सेकंड गियर, थर्ड गियर लगाना है तो न्यूट्रल करो, डायरेक्ट नहीं मारना, देखो प्लीज ध्यान रखो, बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर करके छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, सीधे आगे थर्ड गियर, सेकंड लगाना है तो न्यूट्रल करो, लेफ्ट करो पीछे करो, फिर न्यूट्रल करना है, हाँ ऊपर करके छोड़ दो, सीधे आगे थर्ड गियर, फिर न्यूट्रल करो बीच में, ये ठीक है, इसे ध्यान रखना अपन को, ठीक है। गियर को हमेशा बिना देखे लगाया जाता है, सामने निगाहें होना चाहिए, सामने नजर होनी चाहिए, और गियर पे हाथ होना चाहिए, सामने देखो, लगाओ फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ऊपर करो थोड़ा छोड़ दो, सीधे आगे थर्ड गियर, वेरी गुड, फोर्थ गियर, ये न्यूट्रल करो, ये आया समझ में गियर, पक्का। अब गियर कब कब लगाया जाता है, गियर कब कब लगाया जाता है, कितनी स्पीड का कौन सा गियर होता है, पहला गियर का होता है 0, सिर्फ गाड़ी बढ़ने के काम आता है, दूसरा गियर का 20, तीसरा गियर का 30, चौथा गियर का 40, ठीक है। चार गियर सीख लिए, मतलब पूरी सिटी के अंदर अपन कहीं भी ड्राइव कर सकते हैं अपन, ठीक है। पांच वगैरह थोड़ा सा स्पेस मिला, बता दिया था पांच वगैरह कैसे लगना है, पांच वगैरह 45 के अबव लगना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें कार को, स्टार्ट करो, क्लच ब्रेक प्रेस करके स्टार्ट हो गई, फर्स्ट गियर लगाओ, हैंड ब्रेक नीचे करो, ऊपर खींचो बटन दबाओ, नीचे करो, ऊपर खींचो फिर बटन दबाओ, नीचे करो, ठीक है। अब क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना, बिल्कुल 100% आपके पैर में है ना, बिल्कुल धीरे, एडी को जमाना, पंजे को उठाना, ब्रेक छोड़ो पहले, छोड़ दो धीरे हल्का हल्का, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से छोड़ो, आराम से, वाइब्रेशन होना चाहिए गाड़ी को, छोड़ दो धीरे, बस बस, इससे ज्यादा नहीं छोड़ना, इससे ज्यादा नहीं छोड़ना, ये उठ गई गाड़ी एक बार में, वेरी गुड, बहुत सही, ये बंद हो गई, लेकिन फिर से स्टार्ट करो, स्टार्ट करो गाड़ी, स्टार्ट करो, हाँ स्टार्ट करो, क्लच दबा के ब्रेक दबा के, हाँ फिर क्लच को ब्रेक छोड़ो, क्लच को रिलीज करो धीरे धीरे, मेरे को धीरे रिलीज करना बिल्कुल आराम से, छोड़ जाओ धीरे, छोड़ जाओ हल्का, धीरे 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 धीरे, ये उठ गई गाड़ी, पूरा नहीं छोड़ना होता कभी भी, हाफ क्लच पे होल्ड किया जाता है क्लच को, ठीक है, ये उठ गई गाड़ी, अब छोड़ दो क्लच को पूरा। अभी अपन कौन से गियर में चल रहे हैं, फर्स्ट गियर में, कितनी स्पीड में चल रहे हैं फर्स्ट गियर में, 0 में, अब सेकंड गियर लगाना है, क्लच छोड़ दो पहले पूरा पैर, अभी सेकंड गियर लगाना है तो क्या करना है, पहले पहले गियर लगाएंगे, पहले स्पीड बढ़ाएंगे, कितनी स्पीड बढ़ाएंगे, 20 स्पीड, बड़ा स्पीड, बड़ा स्पीड और बड़ा स्पीड, 20, बड़ा स्पीड, स्पीड छोड़ो, फिर क्लच दबाओ, स्पीड छोड़ दो, क्लच दबाओ, लगाओ सेकंड गियर मेरी तरफ, ये छोड़ो क्लच धीरे, ये झटके से छोड़ा आपने क्लच को, हाँ छोड़ दो, अब छोड़ दो, आपका छूट गया, अब क्या है, क्लच को धीरे छोड़ना चाहिए, और एक चीज और गलत कर रहा हूँ, एक्सलेटर का पैर भी 100% गलत है आपका, मैंने एक्सलेटर का पैर कहाँ बताया, नोक पे, सिर्फ नोक, और पीछे करो, हाँ सिर्फ नोक पे रहेगा। अभी चल रहा है अपन सेकेंड गियर में, कितनी स्पीड चल रहा है, 10-20, आपको थर्ड गियर लगाना है, तो पहले थर्ड गियर लगाएंगे या पहले स्पीड बढ़ाएंगे, कितनी स्पीड बढ़ाएंगे, 30, बढ़ाओ स्पीड, और बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ स्पीड, 30, स्पीड छोड़ के फिर क्लच दबाओ, स्पीड छोड़ के, स्पीड छोड़ के लगाओ थर्ड गियर, बीच में आओ पहले, आओ बीच में, सीधे आगे थर्ड गियर, सीधे आगे थर्ड गियर, छोड़ो क्लच, छोड़ो क्लच, बढ़ाओ स्पीड, छोड़ो क्लच, बढ़ाओ स्पीड, फिर कह रहा है स्पीड का एक्सेलेरेटर गलत लगा आपने, आपका एक्सेलेरेटर गलत क्यों पैर में आ रहा है उधर पे, मैंने आपको नोक पे बताया तो नोक पे पैर रखोगे आप, और पीछे करो उसको, हाँ ये ठीक है, एक्सलेटर जितना ऊपर रखोगे उतना हार्ड प्रेस होगा, जितना पीछे रखोगे उतना फ्लेक्सिबल और अच्छा प्रेस होगा, ठीक है। ये अभी अपन कौन से गियर में चल रहे हैं, थर्ड गियर में, थर्ड गियर कितनी स्पीड होती है, 30, अब फोर्थ गियर की तैयारी करना है तो क्या करेंगे, पहले अपन स्पीड कितनी, 40, बड़ा फोर्थ गियर, स्पीड छोड़ दो, क्लच दबाओ पूरा फुल, फोर्थ गियर बीच में छोड़ के, ये फोर्थ गियर छोड़ो क्लच धीरे, ये चलने दो आराम से, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। अभी हम चल रहे हैं फोर्थ गियर में, कितनी स्पीड है फोर्थ गियर में, 40, मेंटेन करके चलो 40 को,
कम हो रही है स्पीड, देखो बढ़ाओ स्पीड, ये वाइब्रेशन हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि कम गियर में, ज्यादा गियर में कम स्पीड है, ठीक है, चलने दो अभी तेज नहीं, इक्वल पकड़ना। अब फिर एक्सीलेटर आपका पैर गलत है और पीछे करो, बार बार बोल रहा हूँ आपका नोक पे रखो तो आपका पूरा रख ले रहा ऊपर, ठीक है, बड़ा स्पीड हार्ड प्रेस होता है, आप देखो कितना अच्छे से लग रहा, वाइब्रेशन भी नहीं हो रहा है ना, आराम आराम से, ज्यादा तेज नहीं। यू टर्न करना है, सेकंड गियर लगाया अपन ने, ठीक है, पूरा घुमा लेना, फुल घुमाओ फटाफट, एक घुमाओ पूरा फुल, छोड़ते जाओ क्लच को धीरे धीरे छोड़ते जाओ, हाँ ये करो सीधा फटाक जल्दी, एक बार और ये चलो धीरे धीरे हल्का हल्का, तेज नहीं बिल्कुल, बिल्कुल तेज नहीं, ठीक है, आराम आराम से ब्लॉस जाओ, स्पीड छोड़ो फिर क्लच दबाओ पूरा फुल, हाँ चेंज करो थर्ड गियर, बीच में आके सीधा आगे थर्ड गियर, हाँ सीधे आगे थर्ड गियर, छोड़ो क्लच धीरे धीरे चलने का आराम से, ठीक है, आराम से बढ़ाते जाओ धीरे, तेज नहीं बिल्कुल भी, ये कोई भी टर्निंग कोई भी ब्रेकर्स कौन से गियर से निकलता है, सेकेंड गियर से, ठीक है, चौराहा है ना, चौराहे में कौन सा गियर होना चाहिए, कितना स्पीड होना चाहिए, हाँ 10-20 स्पीड की, ठीक है, और हाफ क्लच भी रहेगा ध्यान रखना, ठीक है, क्या होता है हाफ क्लच इसलिए रखते हैं कि तेज स्पीड ना जाए, बढ़ाओ देखो कितनी फोर्थ गियर में आप कितना कम स्पीड कर दिए, गलत है ना ये, चेंज करो सेकंड गियर, चेंज करो सेकंड गियर, स्पीड नहीं बढ़ेगा, क्लच दबा के चेंज करो, आपने वापस गियर कम स्पीड कर दिया, न्यूट्रल करो पहले, लेफ्ट करो फिर पीछे करो, छोड़ो क्लच धीरे, ठीक है, चलो करो आराम धीरे, तेज नहीं, आराम आराम से, आराम आराम से, ज्यादा तेज नहीं, चलो धीरे, स्पीड तेज नहीं, धीरे करो, बढ़ाओ धीरे, बढ़ाते चलो धीरे, बढ़ाते चलो, ये अब देखना राइट तरफ कोई आ तो नहीं रहा है, चलने दो, बढ़ाते चलो धीरे, बढ़ाते चलो, बढ़ाओ स्पीड धीरे, बढ़ाओ कल कल का, ये सीधा 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 चलने दो धीरे, ये बढ़ाते चलो धीरे, बढ़ाओ स्पीड, ये अब देखो यहाँ बंदा जा रहा है, ठीक है, ये अब लगाओ क्लच दबा के थर्ड गियर, स्पीड छोड़ देना, सामने देखो, सामने देखो, देख के लगा नहीं लगाना अपन, बीच में आके सीधा के थर्ड गियर, ये छोड़ क्लच धीरे, गियर को कभी देखना और नहीं होता, आपको याद करना पड़ेगा कौन सा गियर लगा हुआ तो मुझे कौन सा लगाना है, ठीक है, पहले वाला जो गियर लगाते हो याद रखा करो कौन सा गियर लगाना है, ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है, ये अब देखो बंदा जा रहा है, थोड़ा सा उधर ले लेंगे अपन, ठीक है, ये अब आगे आ रहा है ब्रेकर, ब्रेकर में कौन सा गियर होना चाहिए, कितना स्पीड होना चाहिए, यस सेकेंड गियर और 20 स्पीड, 10-20 स्पीड, ठीक है, हाँ स्लो करो गाड़ी को, ब्रेक हल्का सा क्लच दबा के ब्रेक लगाना, स्लो ही गाड़ी, क्लच एक सेकंड में दबा सकते हो, क्लच को धीरे नहीं दबाना होता है, ब्रेक करो हल्का हल्का सा, बस बस ज्यादा नहीं, छोड़ दो ब्रेक को, चेंज करो सेकंड गियर, न्यूट्रल लेफ्ट पीछे, छोड़ो क्लच धीरे धीरे चलने दो आराम से, छोड़ते जाओ क्लच को, ये चलने धीरे धीरे बढ़ाओ स्पीड, बहुत ज्यादा स्लो कर दिया आपने गाड़ी, देखो ठीक है, अब क्रॉस रहेगा थोड़ा सा, हाफ क्लच रखना, सीधे चलना है, ये चलने धीरे धीरे हल्का हल्का, ये बढ़ाओ स्पीड धीरे, और बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ स्पीड, स्पीड छोड़ो, क्लच दबाओ, लॉक क्लच दबा के थर्ड गियर, बीच में आके सीधे आगे थर्ड गियर, सीधे आगे थर्ड गियर, छोड़ो क्लच धीरे, बढ़ाओ स्पीड, क्लच पर हटा देना, ठीक है, हाँ आराम, तेज नहीं जाता, आराम आराम से, चलने दे रहे, लेफ्ट टर्निंग करना अपन को, कौन सी टर्निंग, लेफ्ट टर्निंग, लेफ्ट टर्निंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिकेटर, हाँ कौन सा गियर होना चाहिए, सेकंड गियर, स्पीड लेवल क्या होगी, 10-20, चेंज करो सेकंड गियर, न्यूट्रल लेफ्ट पीछे, छोड़ो क्लच धीरे घुमाते चलो आराम से, चलने दे रहे, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो धीरे धीरे, घुमाते जाओ उस साइड, ये आ रहा समझ में गियर, पक्का आ रहा है, हाँ घुमाते चलो, ये करो सीधा, गियर वगैरह समझ में आ रहा है, चलने दो धीरे धीरे चलने देना, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड लेवल को मैच करना, ठीक है, बड़ा हम्प है, ठीक है, कर्व के बाद तो क्या करेंगे अपन, स्लो करके कौन सा गियर ले लेंगे, सेकंड गियर, ठीक है, हाँ चेंज करो सेकंड गियर, न्यूट्रल लेफ्ट पीछे, छोड़ो क्लच धीरे, ये आराम आराम से चलने दो धीरे, चलने दो चलने दो, ये दो पहिए निकलने के बाद तुरंत स्पीड दिया जाता है, ठीक है, हाँ
स्विच ऑफ पर क्लच दबाओ, लॉक क्लच दबा के थर्ड गियर, बीच में आके सीधे आके थर्ड गियर, ये ठीक है। आगे से यू टर्न करना है मेरे को, तो सबसे पहले क्या ध्यान देना पड़ेगा, इंडिकेटर, दो राइट इंडिकेटर नीचे, ये यहाँ से डाउन स्लोप है, वहां से अप स्लोप है, ठीक है। हाँ तो स्पीड छोड़ देना, गाड़ी निकलने देना आगे से, बड़े खम्भे के इधर से स्पीड छोड़ देना, अब स्लो करो गाड़ी को, क्लच दबा के हल्का ब्रेक, क्लच पूरा दबाया करो ना आपको, हल्का हल्का ब्रेक, ये कौन सा गियर लगेगा, सेकंड गियर लगाओ फटाक से, सेकंड गियर न्यूट्रल, ये वेरी गुड, छोड़ो क्लच धीरे, ये अब यहाँ से डाउन स्लोप है, वहां से अप स्लोप, थोड़ा स्पीड भी लगेगी उस साइड, ठीक है। हाँ अभी नहीं, अभी नहीं, ये घुमा यू टर्न फटाक जल्दी, एक बार और, ये बढ़ाओ स्पीड थोड़ा तेज, करो ले सीधा फटाक जल्दी, एक, ये दो। अब एक चीज और ध्यान देना है, कभी भी टर्निंग के बाद हमें कौन सी लाइन में सीधी करनी चाहिए गाड़ी, लेफ्ट वाली लाइन पे, अपनी लेफ्ट लाइन होती है हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में न्यू टिप्स लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जिससे न्यू वीडियो अपडेशन आसानी से आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।